हेलो गाइस, अनुभास गार्डन में आप सभी का स्वागत है। गाइस, हम लोग गार्डनिंग करते हैं तो हम लोग केमिकल खाद या फिर होममेड खाद अपने प्लांट्स को देते रहते हैं। तो गाइस, मैं आप लोगों से शेयर करूंगी घर में किस तरह से आप 5 तरह के खाद आप लोगों से शेयर करूंगी, किस तरह से मतलब आप घर में ही बना सकते हो। घर में बनाकर ही आप अपने प्लांट्स को होममेड जो है ऑर्गेनिक खाद दे सकते हो, केमिकल खाद से मुक्ति पा सकते हो। तो गाइस, हम लोग गार्डनिंग करते हैं तो अपने प्लांट्स में फ्रूटिंग फ्लावरिंग के लिए खादों को बदल बदल के देते रहते हैं, एक खाद से दूसरे खाद, दूसरे खाद से तीसरे खाद, जिससे कि हमारे जो फ्रूटिंग फ्लावरिंग है वो अच्छे से निकल है। और जब हमारे प्लांट्स में ये फूल फल नहीं आते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, केमिकल जो खाद होते हैं वो देने लगते हैं। केमिकल खाद अगर देते हैं तो केमिकल खाद देने से क्या होता है, आपके इंस्टेंट इंस्टेंट रिजल्ट मिल जाता है आप लोगों को, फ्रूटिंग फ्लावरिंग अच्छी होती है। लेकिन उससे क्या होता है, जो मिट्टी की जो सॉइल की उर्वरक शक्ति होती है वो धीरे धीरे खत्म होने लगती है या खराब होने लगती है। तो हम अगर गार्डनिंग करते हैं तो हम लोग घर में किचन गार्डनिंग, टेरेस गार्डनिंग करते हैं तो छोटे से मतलब उसमें ही गार्डनिंग करते हैं, तो उसमें हमें चाहिए कि ऑर्गेनिक चीज़ें जो है यूज़ करते हैं, किचन से जो वेस्ट चीज़ें निकलती हैं उसी का यूज़ करके ही हम अपने प्लांट्स को हेल्दी और केमिकल फ्री रख सकते हैं। तो घर में किस तरह से आपके किचन से जो निकलता है वेस्ट चीज़ें, उससे किस तरह से आप खाद बनाकर अपने प्लांट्स को दे सकते हो और अच्छे से अच्छे आपके प्लांट्स की ग्रोथ और फ्रूटिंग फ्लावरिंग आप लोग ले सकते हो, इस विषय में आप लोगों से मैं बात करूँगी। इस आप लोगों से शेयर करूँगी कि मैं कौन सा खाद देती हूँ अपने प्लांट्स में। देखिए, मेरे जो प्लांट्स हैं बिल्कुल मैं ऑर्गेनिक खाद देती हूँ और घर में ही बनाती हूँ, कोई भी बाहर से केमिकल चीज़ें नहीं लाती हूँ। जो भी आप लोगों से मैं शेयर करती हूँ, जो भी आप लोगों के सामने देती हूँ वही चीज़ें मतलब अपने प्लांट्स को देती हूँ। इसके अलावा मैं कुछ नहीं देती हूँ केमिकल चीज़ें, और घर में ही बनाती हूँ। किचन से जो मेरी चीज़ें निकलती है उसी से मैं सारे ही अपने प्लांट्स को देती हूँ, और आप लोगों के सामने रिजल्ट होता है किस तरह से फ्रूटिंग फ्लावरिंग होती है मेरे मतलब गार्डन में। तो आप लोगों से यही शेयर करूँगी। तो हम लोग अगर केमिकल खाद देते हैं, केमिकल खाद देने से क्या होता है, केमिकल खाद देने से जो आपके जो मिट्टी की पीएच लेवल है उसको ख़राब कर देते हैं, और जो आपके केमिकल चीज़ें तुरंत मतलब तो रिज़ल्ट अच्छा दिखाता है, उसके बाद धीरे धीरे से इसके मतलब प्लांट्स में असर दिखता है। तो गैस, इसलिए अगर आप मतलब टेरिस गार्डनिंग करते हो तो किचन से जो भी आपके वेस्ट चीज़ें निकलते हैं उसी चीज़ से आप अपने गार्डन को हरा भरा और फ्रूटिंग फ्लावरिंग किस तरह से ले सकते हो, वो सब चीज़ें आप अपने किचन से ही निकाल कर दे सकते हो। इसमें आप लोगों से शेयर करती हूँ वो कौन से 5 खाद है जिससे कि मैं अपने घर में किचन वेस्ट जो निकलता है उन चीज़ों से बनाकर देती हूँ। तो देखिए गाइस, ये देखिए आप लोगों के सामने, ये देखिए किचन से निकलने वाली ये वेस्ट चीज़ें जो हम लोग फेंक देते हैं बेकार समझ कर, इन चीज़ों को अगर हम अपने गार्डन में यूज़ करते हैं तो ऑर्गेनिक खाद बना सकते हैं। थोड़ी सी मेहनत से ही इन चीज़ों को दे सकते हैं, और इनमें बहुत अच्छे मतलब आपके न्यूट्रिशन पाया जाता है, बहुत अच्छे पोषक तत्व पाए जाते हैं। ये देखिए, ये है प्याज के छिलके, प्याज के छिलके में आपके मैग्नीशियम तो पाया जाता है, इसके साथ साथ पोटाश भी पाया जाता है, नाइट्रोजन भी पाया जाता है, और इसके साथ साथ बहुत ऐसी चीज़ें पाई जाती हैं जो प्लांट्स के फ्रूटिंग और फ्लावरिंग के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। विशेषकर जो टमाटर के प्याज होते हैं, मिर्च के होते हैं, नींबू के होते हैं, अगर आप प्याज के छिलके डालते हो इनको किस तरह से यूज़ कर सकते हो, मैंने वीडियो बना रखा है, आप कई तरीके से इसको यूज़ कर सकते हो। और इसको ज़्यादातर तो मतलब जो छिलके हैं इनको सुखाकर धूप में अच्छी तरह से, उसके बाद इसको जो है पाउडर फॉर्म में आप यूज़ कर सकते हो, पानी में भिगो के यूज़ कर सकते हो। और नंबर 2 पे है आपके ये केले के छिलके, केले के छिलके जो होते हैं इनमें पोटाश की मात्रा बहुत अधिक पाया जाता है, पोटाश जो है आपके फ्रूटिंग और प्लानिंग के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। अगर आप ये केले के छिलके के पाउडर सुखा कर इनको अच्छी तरह से पाउडर बनाकर अगर सॉइल में डालते हो तो उससे आपका जो रिज़ल्ट है बहुत अच्छा आता है इसमें प्लांट्स में। और आपके जो इनको आप डायरेक्ट पानी में भी भिगो कर दे सकते हो, इनको फिर आपका ये खाद बनाकर भी दे सकते हो। मैं
खाद बना रखा है, तो आप लोगों से मैंने शेयर की है किस तरह से मैंने केले के छिलके से खाद बनाए। आप मेरे चैनल में जाके देख सकते हो वीडियो। तो नंबर 3 पे है ये कैल्शियम के जो सोर्सेस है, ये है अंडे के छिलके। अंडे के छिलके जो है इनके इनके अंदर 100% जो है आपके कैल्शियम पाया जाता है। कैल्शियम के लिए अगर आप अंडे के छिलके नहीं देना चाहते हो तो आप चौक से कैल्शियम ले सकते हो, या फिर आपके जो चूना होता है उससे भी आप कैल्शियम के मतलब स्रोत ले सकते हो। तो मेरे चैनल में जाकर आप देख सकते हैं क्या कैल्शियम के मतलब कितने स्रोत है, मैंने इस पर वीडियो बना रखा है, आप लोग देख सकते हो मेरे चैनल में जाकर। तो नंबर 4 पे आपके है ये चाय की पत्ती, यूज चाय की पत्ती। जिस चाय की पत्ती को हम चाय बनाकर फेंक देते हैं, उनको ना फेंक कर इनको अच्छी तरह से धोकर सुखाकर आप अपने प्लांट में दे सकते हो। और जो चाय की पत्ती है इसमें भी नाइट्रोजन की मात्रा बहुत अधिक पाई जाती है, इसके अलावा फास्फोरस भी पाया जाता है और आपका पोटाश भी पाया जाता है इसमें। तो इसको अगर आप अपने प्लांट में डालते हो तो ये आपके जो प्लांट है प्लांट के सॉइल को एसिडिक बनाता है और मिट्टी की पीएच लेवल को ये बढ़ाता है, तो जिससे कि आपकी फूटिंग फुलंग अच्छी होती है। चाय की पत्ती अगर आप गुलाब के प्लांट में या फिर जो आपके गुड़हल के प्लांट में या फिर आपके जो मोगरा होता है उनमें अगर डालते हो बहुत अच्छा रिजल्ट पाया जाता है। और नंबर 5 पे आपकी ये है हल्दी। हल्दी तो आप जानते ही होंगे, हल्दी जो है एंटी बैक्टीरियल है, एंटी फंगस है और कई ऐसे मतलब आपके कीड़े मकोड़े मारने में भी काम आता है। अगर आपके पास राख है तो राख बहुत अच्छा मतलब वो भी आपका पोटाश का भी काम करता है और कीड़े मकोड़े मारने और फंगस लगने से भी मतलब आपका निजात देता है। तो ये आपके मेरे पास तो मैं खाद सॉरी मेरे पास राख नहीं है इसलिए मैं हल्दी का इस्तेमाल करती हूँ। तो फिर ये आप उसकी जगह पे आप हल्दी भी इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि ये भी आपका वही काम करता है, एंटी फंगल है, एंटी वायरस जो है कीटाणु मारने के काम आते हैं। तो गाइस देखिए इस तरह से इन सबको मिलाकर ये जो पाउडर फॉर्म में इसको पांचों को मिलाकर अगर आप एक प्लांट में देते हो तो आपके जो प्लांट है वो आपके जो है कीड़े मकोड़ों से भी दूर रहेगा और जो है फ्रूटिंग फ्लावरिंग है उसमें बहुत अच्छी रिजल्ट आएगा और बहुत अच्छा मतलब ग्रोथ भी अच्छी होगी और प्लांट्स की जो है ऑल ओवर ग्रोथ भी अच्छी होगी। तो गाइस मैं आप लोगों से ये सब चीज़ें शेयर करती हूँ, आप लोगों ने देखा है मेरा गार्डन और आप लोगों से मैंने हर चीज़ शेयर की है, तो मैं ये सब चीज़ें ही डालती हूँ अपने गार्डन में। आप लोग देख सकते हो मैं केमिकल चीज़ें नहीं यूज़ नहीं करती हूँ, केमिकल चीज़ें और बाहर से लाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। मैं इतनी महंगी महंगी चीज़ें लाओ और पैसे बर्बाद करने की वो है, तो मैं बाहर से कुछ भी नहीं लाती। जो भी मेरे गार्डन में आप लोग देखते हो आप लोगों से हर चीज़ मैं शेयर करती हूँ। तो ये मेरे है 5 चीज़ें घर में ही जो पाए जाते हैं किचन वेस्ट से फ्री के मतलब खाद बनाती हूँ। तो गाइस वीडियो कैसे लगे, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए और मेरे चैनल अनुभा गार्डन को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने लिए थैंक यू।